हरदोई और मिश्रिक, हरदोई मिश्रिक दो लोग सभा हैं और साथ में ही कन्नौज का चुनाव भी है, जहां हम आपसे मदद मांग रहे हैं इन लोगों की, दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए। वहीं हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि हमारी भी कन्नौज में मदद करना, जिससे कन्नौज भी अच्छे वोटों से जीत जाएं। वैसे हरदोई बहुत चर्चा में रहता है। हरदोई जिला न जाने कितनी चर्चा में रहता है। ये हरदोई जिला हम अखबार पढ़े, टीवी और कभी कभी दूसरी जगह से भी बड़े ही चर्चा में रहता है। जाने कौन से नशे में कोई रहता है कि चर्चा में हमेशा हरदोई रहता है। क्यों भाई, ये क्या चीज है जिसकी वजह से न जाने क्या निकल जाता है, क्या चीज है ये? एक कोई ऐसी चीज है क्या जिससे न जाने क्या निकल जाता होगा? एक बार याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अपने कंप्यूटर से पढ़ करके कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ये शराब वाला गठबंधन है। बताओ, हम लोगों से कहा कि नहीं कहा? एक ही बार कह पाए, दोबारा नहीं कह पाए वो चीज, दोबारा नहीं सुनने को मिला होगा। हमारे साथी कहते हैं, चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन किसी को आने मत देना आप दोबारा। और ये बताओ हमें, ये हम अपने साथियों से जानना चाहते हैं। ए मंच वाले नेता, थोड़ा शांत रहो, सब पहचान गए कौन कौन कहाँ है। ये आप सब जानते होंगे, जिसका चक्र पूरा हो जाए उसको गणित में क्या कहते हैं ये बताओ पहले। जो घूम करके घूम जाए उसको क्या कहते हैं बताओ, जीरो हो गए कि नहीं हो गए? सब दल घूम लिए, हो गए जीरो, और सब जगह खुल गई पोल, जीरो हो गए कि नहीं हो गए? और अगर मन है उन्हें माइनस में जाने का, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हो? अभी हरदोई की जनता माइनस में आपको पहुंचा देगी। इसलिए हमें और आपको ध्यान नहीं हटाना है किसी मामले को लेकर के। ये सवाल है इस बात का, चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। कभी हमें जात के नाम पे लड़ा दिया, कभी धर्म के नाम पे लड़ा दिया, कभी दूरियां बना दी, और न जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं जो अंग्रेज करते थे, जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ आपके साथ। बांट दो और राज करो, बांट करके राज किया। लेकिन इस गठबंधन ने तय कर लिया है, हम बंटने वाले नहीं हैं, हम एक होकर के इनका मुकाबला करने का काम करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन आप लोगों का है, गरीब का, गांव में रहने वाले लोगों का, जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया इतने वर्षों से, उनका है ये गठबंधन। जो हमारे खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग,
पसीना बहाने वाले लोग, धरती पे जो सबसे खराब काम होता है वो हम और आप करते हैं, उन लोगों का गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है ये महामिलावट नहीं है, देश में महापरिवर्तन लाने का काम ये गठबंधन कर रहा है। बताओ, हमारे दो तीन दल को मिल जाने से कह रहे हैं महामिलावट है। सोचो, अगर दो दल एक हो जाएं, तीन दल एक हो जाएं, तो महामिलावट कहते हैं। और 38 दल मिलकर के अगर देश में राज कर रहे हो तो बताओ कौन सी मिलावट कहेंगे उन्हें। उसके के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन है, वो महामिलावट का कह रहे हैं। लेकिन पत्रकार साथी सोचिए, 38 दलों वाले मिलकर के क्या बना रहे होंगे। हम नहीं कहेंगे ये नौजवान जो कह रहा था, ये 38 दल वाले लोग और कहते हैं कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। हम उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को, गठबंधन ने मजबूत और बहुत शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। और प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या सिखाते हैं हमें और आपको। बताओ, कभी चाय वाला बनकर के आए थे हमारे आपके बीच में, आए थे चाय वाला के नहीं। कभी कभी हमने आपने किस्से सुने होंगे कि कुछ मिला दिया, खिला दिया, नशे में हुए उठा ले गए। पिछली बार चाय के नशे में न जाने कितना बोट उठा लिया है। लेकिन बताओ, 5 साल में चाय का स्वाद पता लग गया कि नहीं लग गया। चाय अच्छी थी कि खराब थी। और हमारे सांसद जी बैठे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि चाय कैसी थी। ये तो बेचारे अजनबी बन के चले गए वहां पर, इन्हें सच्चाई पता होगी। वो आपके हमारे नहीं हैं, वो केवल 1% के प्रधानमंत्री हैं। आबादी के जो 1% लोग हैं उनके प्रधानमंत्री हैं। ये 99% जो बैठे हैं इनके प्रधानमंत्री नहीं है वो। बताओ, आपसे हमसे वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे किसान भाइयों। किसान भाई बताएं, 1.5 गुना मुनाफा किसको मिल गया? किसी फसल का 1.5 गुना मुनाफा मिला हो तो बताएं। और अब ये आय दोगुनी हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी, इतनी हर चीज महंगी कर दी कि अब आय दोगुनी कैसे होगी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आपका धान बिक गया होगा ऐसे ही, बताए कोई हमें किसान भाई 1.5 गुना मुनाफा मिला आपको कि नहीं मिला? धान बिक गया, हमारे यहाँ आलू बहुत होता है, 1 किलो आलू नहीं खरीदा इन्होंने, आलू किसान बर्बाद हो गया, जो भी पैदावार थी सब बर्बाद हो गई। और हमारे गन्ना किसानों का भी बकाया ये सरकार नहीं दे पाई, अभी भी परेशान है किसान, जहाँ आय नहीं कर पाए दुगनी। और हमारी आपकी बोरी से बताओ 5 किलो खाद चोरी कर ली कि नहीं कर ली? चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ कैसी चमत्कारी सरकार है। अरे अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, और अगर जान गए हो, अगर ये बात जान गए हो, ये बात अगर आप जान गए हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? ये चौकीदार छीनने का भी चुनाव है।
जब ये बात जान गए हो आप, तो चौकीदार की चौकी छिनेगी कि नहीं छिनेगी? और फिर हमें और आपको कैसे उलझा दिया इन्होंने, न जाने कौन से सपने दिखा रहे हैं अच्छे दिन के। किसी के आए अच्छे दिन? वो अच्छे दिन जिनके आए, वो हवाई जहाज में बैठ करके हमारा आपका नोटबंदी वाला पैसा लेके चले गए। चले गए कि नहीं चले गए नोटबंदी वाले? हमारे कुछ साथी जो समाजवादी साथी, पक्के समाजवादी साथी जो हैं यहां, वो याद होगा उनको, इसी मैदान पे हम आए थे और मैंने कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन चाय वालों ने कहा कि रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये रुपया नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री होके गए होंगे, काला धन बताया कितना आ गया कि नहीं आ गया? बाबा मुख्यमंत्री आए थे कि नहीं आए थे? क्या बोल के चले गए पत्रकार साथियों? क्या नोटबंदी के बारे में बोल के गए कि नहीं बोल के गए? न काला धन बता पाए होंगे। और बताओ, समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था, और इसलिए शुरू किया था 100 नंबर पुलिस का कि अगर खेत में कोई झगड़ा हो जाए, आबादी को लेकर कोई विवाद हो जाए, पानी को निकालने के लेकर के झगड़ा हो जाए, तो हमारा गरीब क्यों भागेगा थाने में, वहीं से फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद करने के लिए पहुंचा। ये व्यवस्था समाजवादी लोगों ने देने का काम किया था। लेकिन बताओ, व्यवस्था का क्या हुआ? खत्म कर दी। जो बुराई पहले थी वो पुलिस में बुराई आ गई कि नहीं आ गई? कहां भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे? और 100 नंबर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, हमारे इनके पुलिस के लोगों से पूछना आप, हमारे जाने के बाद हमने इनके वरिष्ठ अधिकारियों को अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क में जो सबसे बेहतरीन पुलिस का काम होता है वो मैंने देखने के लिए भेजा। उन अधिकारियों से कहा, देखिए आइए। वो देख करके आए, रिपोर्ट बनाई, और देश के बहुत अच्छे प्रोफेसर प्रोफेसर वेंकट को मैंने उनके साथ लगाया, और 100 नंबर दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था उत्तर प्रदेश को देने का काम किया समाजवादियों ने। कौन सोचता था कि पुलिस पे नई गाड़ी होगी? इन लोगों को, पुलिस के लोगों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया गाड़ी दे करके, तो समाजवादियों ने दी, नहीं तो थाने में जाते थे आप, आपसे डीजल पेट्रोल भरवा लेते थे गाड़ी में, याद है कि नहीं? आपको याद है। 100 नंबर भी खराब कर दी, और 100 नंबर इसलिए खराब कर दी क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आता। बाबा मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आता 100 नंबर चलता कैसे है। बताओ, पुलिस के बड़े अधिकारी हो आप, नहीं बोल सकते? अगर आपने सर भी हिला दिया तो सस्पेंड हो जाओगे। क्या बाबा अधिकारी, बाबा जानते होंगे कि कैसे 100 नंबर चल रहा है? और पत्रकार साथियों, अपने साथियों से पूछना, लखनऊ के साथियों से पूछना, देश के जब कभी वरिष्ठ आईपीएस आईएएस आते हैं और कानून व्यवस्था के बारे में व्यवस्था को जानना चाहते हैं, तो उसी 100 नंबर को दिखा करके अपने नंबर बढ़ाती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 100 नंबर बर्बाद कर दिया। और आपके बगल में भी है, गंगा मैया की कसम खा करके आए थे कि साफ कर देंगे। गंगा मैया कितनी साफ हो गई आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि काली नदी आपके यहाँ नहीं आती है। काली नदी कन्नौज में जुड़ती है, और जब तक काली नदी साफ नहीं होगी, गंगा मैया कभी साफ नहीं हो सकती। बताओ, गंगा मैया के नाम पर धोखा दिया कि नहीं दिया आपको? और फिर हमारी गाय माँ, क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं? बताओ पत्रकार साथियों, कैसे मुख्यमंत्री हैं? गाय माँ हमारी, और हमें कह रहे हैं कि संविधान न होता तो हम भैंस चरा रहे होते। बताओ कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे?
अगर लैपटॉप दे दो कि जरा चला दो तो दो दो दिन पता नहीं लगेगा, गायब हो जाएंगे, आएंगे नहीं यहां पर। बताओ लैपटॉप दिया आपको? और याद रखना, जहां समाजवादियों का पहुंचा होगा लैपटॉप, आज भी चल रहा होगा, और जब कभी ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम ही दिखाई देते होंगे, ये बाबा जी नहीं कर पाए ये काम। कहां कर पाए ऐसा काम? ओ बताइए, हमें कह रहे कि संविधान, संविधान अगर नहीं होता तो हम भैंस चराते। सोचो आप, संविधान हमें, आपको सबको बराबर का हक देता है, संविधान से हमें सम्मान मिलता है। अगर हमारे बारे में इनके विचार ये हो सकते हैं तो सोचो, कोई ठेला चला रहा होगा, कोई गरीब रिक्शा चला रहा होगा, कोई छोटी दुकान चला करके ककड़ी बेच रहा होगा, कोई छोटी मोटी दुकान चला करके कारोबार कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, खेती करने वाले को क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे, गरीबों के बारे में क्या तुलना करते हैं ये सोचिए। अगर हमें ये कह सकते हैं, और हम नहीं कहेंगे कि अगर ये संविधान ना होता तो हमारे बाबा जी क्या कर रहे होते, न जाने क्या कर रहे होते। पता नहीं क्या चल रहा होता,